हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से दो केसेस का डिटेक्शन हुआ. इसमें फर्स्ट केस बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन नॉर्थ जोन का है, जिसमें कि ये एक मर्डर केस है, क्राइम नंबर 474/2019 अंडर सेक्शन 452/302/120B 212 आईपीसी रेड ब्रिक 34 आईपीसी ऑफ बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन. इस केस में जो चार अक्यूज्ड हैं उनका डिस्क्रिप्शन इस तरह से है. तुमकुंटा माधव रेड्डी, सन ऑफ लेट टी चिंता रेड्डी, एज 55 इयर्स, ऑक्यूपेशन रियल एस्टेट बिजनेस, रेसिडेंट ऑफ पेदा तोकट्टा, न्यू बोयनपल्ली सिकंदराबाद. अक्यूज नंबर टू, सामला माधव रेड्डी, सन ऑफ एस वेंकट रेड्डी, एज 46 इयर्स, ऑक्यूपेशन बिजनेस, रेसिडेंट ऑफ शिवा एनक्लेव, ओल्ड बोयनपल्ली सिकंदराबाद. अक्यूज नंबर थ्री, जकुला सुरेंद्र रेड्डी, सन ऑफ लेट जे मल्ला रेड्डी, एज 50 इयर्स, ऑक्यूपेशन बिजनेस, रेसिडेंट ऑफ मल्ला रेड्डी एंड क्लेव, पेट बशीराबाद. ये इसके पहले भी एक क्राइम नंबर 213/2019 में इन्वॉल्व था. और अक्यूज नंबर फोर, दामी नरेश सिंह, सन ऑफ डी महेंद्र सिंह, एज 27 इयर्स, जो कार ड्राइवर का काम किया इस पूरे केस में, ये ओरिजिनली नेपाल का रहने वाला है. इस केस में जो डिसीज्ड है उसका नाम शरणप्पा है, सन ऑफ लेट एरा गुंटप्पा, एज 48 इयर्स, जो वॉचमैन का काम कर रहा था और ओरिजिनली कर्नाटका स्टेट का रहने वाला है. जो रिकवरी हुआ सीज मटेरियल, उसमें एक पेट्रोल बॉटल, मैच बॉक्स, फॉर्चूनर एसयूवी कार, मारुति स्विफ्ट कार और 6 मोबाइल फोन का रिकवरी हुआ. ये केस जो 7 तारीख को सुबह 3 बजे बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन में कंप्लेनेंट वर्षा श्रीनिवास वॉचमैन और उसकी वाइफ चिन्ना लक्ष्मी, ये लोग बताए कि ये इस केस में जो दो पार्टी हैं, एक तरफ से प्रकाश रेड्डी और दूसरे तरफ से टी माधव रेड्डी, एस माधव रेड्डी, जकुला सुरेंद्र रेड्डी, और ये डिस्प्यूट को लेकर ये लोग वॉचमैन के ऊपर अटैक किए और उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दिए. इनिशियली वो 45-50% बर्न इंजुरी के साथ हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और बाद में उसका डेथ हुआ. ये मोटिव का जो मर्डर का जो मोटिव है वो यही इशू है, प्लॉट नंबर 103-106 इन सर्वे नंबर 91 पार्ट, सिचुएटेड एट शिवा एनक्लेव, ओल्ड बोयनपल्ली. और ये 2005 से इशू चल रहा है और इसमें शरणप्पा जो वॉचमैन है उसको ये लोग जलाने का कोशिश किए जिससे कि उसका मौत हुआ. बाउंड्री इज़